बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस वीडियो क्लास के माध्यम से। आज साथियों मैं आपको इतिहास विषय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये है साथियों एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है और लगभग सभी विद्यार्थियों के दिलों पर राज करने वाली एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की। इस पुस्तक का रिव्यू आज मैं करने जा रहा हूं। इससे पहले साथियों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस पुस्तक के बारे में जानकारी देने से पहले साथियों मैं आपको सबसे पहले जानकारी देने वाला हूं स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की। ये एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। अब साथियों आपके पास में गाइड चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट से संबंधित आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में टाइम का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग आपको अपनी शिक्षा को अच्छे तरीके से हासिल करने में और आपकी जो भी तैयारी है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका समय सबसे ज़्यादा व्यतीत होना चाहिए, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी साथियों इतिहास की एक और महत्वपूर्ण गाइड है, इसमें इतिहास नहीं बल्कि ये सामान्य अध्ययन की है जिसके अंदर इतिहास भी दिया गया है। ये है साथियों 2021 पेपर प्रथम के नाम से मनोहर पांडे अरियंत पब्लिकेशन की। काफ़ी बड़ी गाइड है, लेकिन साथियों बहुत ही विस्तार से इस गाइड के अंदर इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों अगर आप MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यह है दिशा पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। इसके अंदर 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं और उनकी व्याख्या इतने अच्छे तरीके से की है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इतिहास से संबंधित गलत नहीं होगा। और ये साथियों 2021 का लेटेस्ट वर्जन है। इसके अंदर जो भी नया एडिशन आता है साथियों उसमें अपडेट करके कुछ अच्छी चीज़ें जो आने वाले समय में एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है उनको शामिल किया जाता है, इसलिए साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। तो चलिए साथियों अब हम शुरू करते हैं इस गाइड के बारे में, यानी एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की जो पुस्तक है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं सबसे पहले। इससे पहले साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का कारण बनता है साथियों। हमें जो भी ऊर्जा मिलती है वो आपके द्वारा, जो आप लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इससे मिलती है ऊर्जा हमें। और बाकी साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो बल्कि आप हमारे परिवार का सदस्य बनते हो, इसलिए हमें बहुत खुशी होती है। आज साथियों मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो है इतिहास के बारे में। सबसे पहले साथियों प्राचीन भारत का इतिहास इस गाइड में दिया गया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक इस गाइड के माध्यम से पढ़ने वाले हो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले साथियों ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आप पढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्रोत के अंदर भी सब टॉपिक दिए गए हैं साथियों यहां पर पांच। उन पांच महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने के बाद में ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में साथियों आदिम मानव। अब साथियों ये जो आदिम मानव है इसके अंदर भी चार महत्वपूर्ण सब टॉपिक दिए गए हैं, यानी मिनी पार्ट के रूप में इसमें दिया गया है ताकि आपका ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से आप कवर कर सकें। उसके बाद में साथियों यहाँ पर ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियाँ इनके बारे में दिया गया है साथियों पूरी जानकारी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी साथियों पाँच महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो आराम से क्लियर हो जाए। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा संस्कृति, इसमें साथियों कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। जब साथियों आप हड़प्पा संस्कृति को इस गाइड के माध्यम से पढ़ेंगे तो अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर साथियों ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। कम से कम 10 से 12 महत्वपूर्ण सब टॉपिक दिए गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक से हड़प्पा संस्कृति को कवर किया गया है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में, इसके अंदर भी साथियों यहाँ पर कम से कम 10 टॉपिक दिए गए हैं, अच्छे से समझाया गया है इस गाइड के माध्यम से। उसके बाद में साथियों उत्तर वैदिक काल,
उत्तर वैदिक काल के बारे में साथियों आप जब इस गाइड में पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। ये कब संभव होगा? जब साथियों इस प्रकार की विश्वसनीय गाइड को आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तब जाकर आपको एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद में साथियों जैन और बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी इस गाइड में दी गई है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे आगे तो महाजनपद के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में विस्तार के साथ दोस्तों इस एक गाइड में समझाया गया है। उसके बाद में साथियों जब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपके सिलेबस में आता है ईरान और मकदूनियाई जो आक्रमण है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। मौर्य युग के बारे में जानकारी दी गई है साथियों, मौर्य युग के संस्थापक से लेकर मौर्य युग के पतन के कारण तक यहाँ पर विस्तार के साथ प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर पढ़ेंगे मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम। अब साथियों इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर सातवाहन युग के बारे में जानकारी दी गई है, सातवाहन युग इसको भी आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो साथियों सातवाहन युग के बाद में आप यहाँ पर पढ़ेंगे सुदूर दक्षिण में इतिहास का प्रारंभ। अब साथियों यहाँ पर दक्षिण भारत में जो इतिहास का प्रारंभ हुआ था उसके बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ में दिया गया है। उसके बाद साथियों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी विस्तार के साथ इस एक महत्वपूर्ण गाइड में दी गई है। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर पढ़ेंगे हर्ष और उसका साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे साथियों। दक्कन और जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे उस समय, चाहे वो पल्लव वंश हो, चालुक्य वंश हो, या फिर किसी भी प्रकार का जो जानकारी आपको होना चाहिए एग्जाम के दृष्टि से, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद में साथियों दर्शन का विकास, दर्शन का विकास जिसके अंदर साथियों यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, अच्छे से समझाया गया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन समय समय पर पूछे जाते हैं। तो आज साथियों यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसमें सबसे पहले उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल, 3 कौन कौन से महत्वपूर्ण साम्राज्य वो यहाँ पर साथियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में जानकारी दी गई है, विस्तार के साथ यहाँ पर बताया गया है। इस पुस्तक की भाषा शैली काफ़ी आसान है साथियों। उसके बाद में आप यहाँ पर पढ़ेंगे साथियों चोल साम्राज्य के बारे में, संघर्ष युग के बारे में जिसके अंदर साथियों अरबों का आक्रमण, राजपूत राज्य और त्रैन की जो प्रमुख लड़ाई हुई थी उसके बारे में जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद साथियों दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, खिलजी वंश के बारे में पूरी जानकारी विस्तार के साथ में यहाँ पर दी गई है साथियों इसी पुस्तक में। दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक एवं आर्थिक और सामाजिक जो जीवन है उसके बारे में यहाँ पर इस पुस्तक में विस्तार के साथ बताया गया है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया गया है साथियों, बहमनी साम्राज्य के बारे में विस्तार के साथ बताया गया है, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में इस पुस्तक में विस्तार के साथ दिया गया है, भारत में सांस्कृतिक विकास के बारे में साथियों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई जिसके अंदर साथियों बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में आप पढ़ेंगे इस पुस्तक में। उसके बाद में साथियों यहाँ पर मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण जिसके अंदर साथियों यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद में आपका इतिहास और मुगल साम्राज्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर मुगल साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस समय की उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, मुगल के अधीन जो आर्थिक और सामाजिक जीवन था उस समय का उसके बारे में इस गाइड में काफ़ी अच्छे से और विस्तार के साथ बताया गया है। मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक और जो धार्मिक गतिविधियां थी उनको भी साथियों इस पुस्तक में अच्छे से समझाया गया है, जिसके अंदर स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला और भाषा और साहित्य, संगीत इन सब के बारे में विस्तार के साथ इस गाइड में दिया गया है। मराठों का उदय, उसके बाद में साथियों विदेशी यात्रा, जो जो विदेशी लोग यहाँ पर आए थे उनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास, अब साथियों जब
आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके अंदर यूरोपीय कंपनियों का आगमन बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है। उत्तरवर्ती जो मुगल राजवंश है उसके बारे में जानकारी दी गई है। नवीन राज्यों का जो उदय हुआ है उनके बारे में भी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखिए ब्रिटिश संप्रभुता की स्थापना, इसमें ब्रिटिश संप्रभुता की जो स्थापना है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश प्रशासन का जो ढांचा था, उसकी जो नीतियाँ थी, किस प्रकार से काम करता था उसके बारे में जानकारी दी गई है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह जो हुए थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे साथियों, वो यहाँ पर विस्तार के साथ में दिया गया है इसी एक महत्वपूर्ण गाइड में, महत्वपूर्ण पुस्तक के अंदर। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में भारत में किस प्रकार की ब्रिटिश के द्वारा नीतियाँ लाई गई और प्रशासन व्यवस्था उस समय किस प्रकार की थी उसके बारे में जानकारी दी गई है। आर्थिक जीवन में परिवर्तन, ये साथियों इसके अंदर विस्तार के साथ दिया गया है। उसके बाद में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जो जागरण थे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जागृति आई थी उसके बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है साथियों। और उसके बाद में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्वराज्य के लिए संघर्ष जो हुआ था साथियों उसके बारे में भी विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे महात्मा गांधी, इनके बारे में भी जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से महत्वपूर्ण चले थे, स्वतंत्र भारत के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और विविध के रूप में यहाँ पर अंत में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। उसके बाद साथियों अब हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो है इतिहास की जो अगली कड़ी है उसमें हम देखेंगे आधुनिक विश्व का इतिहास। अब साथियों इस एक ही गाइड में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने को मिल रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों अब इतिहास की अगली कड़ी में हम प्रवेश करते हैं आधुनिक विश्व का इतिहास। आधुनिक विश्व के इतिहास में साथियों आप यहां पर देखेंगे पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। नए देशों की जो खोज और व्यापार उसके बारे में जानकारी दी गई है। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के बारे में इस पुस्तक में विस्तार के साथ दिया गया है। अमेरिका की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में भी साथियों पर अच्छे से जानकारी दी गई है। फ्रांस की क्रांति के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अच्छे से और विस्तार से समझाया गया है। रूसी क्रांति के बारे में बताया गया है। दो विश्व युद्धों के मध्य की दुनिया, कौन कौन से दो विश्व युद्ध हुए थे साथियों, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य की जो दुनिया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। यूरोपीय परिदृश्य के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है विस्तार के साथ। और कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं आपके MCQs के रूप में वो भी विस्तार से दिया गया है। यानी साथियों 100 बातों की एक ही बात है, ये पुस्तक पढ़ने के बाद आप इतिहास में महारत हासिल कर लेंगे। यानी इतिहास विषय से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से MCQ जो दिशा पब्लिकेशन की मैंने गाइड बताई थी उससे अगर अपना प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब साथियों इतिहास से संबंधित ये तो पहली पुस्तक है। अब साथियों आने वाले समय में जल्द ही आपके लिए कम से कम 25 इतिहास की महत्वपूर्ण अलग अलग पुस्तक का मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो साथियों आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो साथियों आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमें इस पुस्तक से बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आपका कोई भी यार दोस्त भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उस तक भी साथियों इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच नई उम्मीद के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।